तो आज हम लोगों ने क्या देखा था पिछली बार, डिफरेंशिएशन देखे थे हम लोग, डिफरेंट फार्मूला का देखे थे, जहाँ एडिशन था, सब्सट्रैक्शन था, मल्टीप्लिकेशन था ना। आज हम लोग जो डिफरेंशिएशन आज दो फार्मूला देखेंगे डिफरेंशिएशन का, वो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। किसका? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो ध्यान देना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या है, जैसे अभी हम लोग जो पढ़े हैं वो पढ़े सिर्फ एक्स वाई के वेरिएबल पर था। यहाँ पर क्या हुआ, कुछ कुछ ऐसे डिफरेंशिएशन मिलेंगे हमें जहाँ पर साइन कॉस टैन कुछ लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो क्या करते हैं कि जब हम लोग डेरिवेशन जब करते हैं डिफरेंट फार्मूलाज का, डिफरेंट थ्योरी का, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि हमारे पास कहीं कहीं कॉस, कहीं कहीं साइन आ जाता है। तो हम वहाँ पर डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, वो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के रिक्वायरमेंट के अनुसार से ही है, ज़्यादा कुछ भी इसमें नहीं है। बस इतना है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तुम्हें कि हाँ साइन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता क्या है और इसको यूज कैसे करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास जो फर्स्ट फार्मूला है जो फिजिक्स में हमारा यूज होता है, वो होता है साइन एक्स। क्या होता है? साइन एक्स। यानी कभी भी किसी इक्वेशन में अगर साइन एक्स लिखा हुआ रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे हम लोग, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है क्या? कॉस एक्स। क्या होता है? कॉस एक्स, मतलब साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो कॉस रहे तो कॉस का डिफरेंशिएशन साइन, पर किस में? माइनस में। तो इसको याद करना बहुत टफ नहीं है, बस याद रखना साइन का क्या होता है कॉस और कॉस का क्या होता है साइन, लेकिन माइनस साइन एक्स ध्यान देना खाली, इसमें एक का होता है माइनस हो जाता है, मतलब कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन एक्स। बात समझ में आ रही है? तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, एंड कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। अगर टैन का रहे तो ये सब ज़्यादा मेनली हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में वो आएगा मेनली साइन और कॉस आएगा, ठीक है ना। लेकिन टैन का क्या होता है, तो टैन का होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? टैन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। कॉट कर्व में क्या होता है, तो कॉट का होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, फिर क्या माइनस में ना। कॉस का भी क्या आया था? माइनस साइन आया था, तो कॉट का भी क्या होता है? माइनस होता है। बात समझ में आ रही है ना? तो टैन का सेक स्क्वायर एक्स एंड कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया साइन कॉस टैन एंड कॉट। साइन का भी पॉजिटिव और टैन का पॉजिटिव, और दोनों सी बोले तो कॉस भी और कॉट भी, दोनों का वैल्यू क्या आता है? निगेटिव में आता है, माइनस साइन एक्स एंड माइनस कॉसेक एक्स। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सेक एक्स। क्या है? सेक एक्स। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स इंटू टैन एक्स। यानी जब सेक का पूछ रहा है तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स। अगर कॉसेक एक्स का पूछा जा रहा है तो कॉसेक एक्स है तो सिर्फ माइनस, फिर क्या, फिर कॉस आ गया तो फिर क्या लगा देंगे लोग? माइनस। तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। एंड एक लास्ट है, वो है डी लॉग एक्स। क्या है? डी लॉग एक्स। यानी लॉग एक्स का डिफरेंस क्या होता है? तो लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स। क्या होता है? वन अपॉन एक्स। तो ध्यान में रखना कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स। तो आपको जो मेन याद रखना है वो है साइन और कॉस का। साइन का होता है कॉस एक्स एंड कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। बाकी टैन और कॉट में क्या करना है? टैन है तो सेक स्क्वायर एक्स एंड कॉट है तो कॉसेक स्क्वायर एक्स, बस माइनस में रहना चाहिए वैल्यू। सेक और कॉसेक में क्या है? तो जब सेक है तो सेक एक्स लिखना है, साथ में टेन एक्स को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर कॉसेक एक्स निकालना है तो कॉसेक एक्स लिखना है, साथ में कॉट एक्स मल्टीप्लाई कर देना है। बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्या निकालते हैं हम लोग? डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान देना, तो अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू फाइव साइन एक्स और इसको जाना डिफरेंशिएशन, तो ये काफ़ी सिंपल है, डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे हम लोग। फाइव क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को करते हैं बाहर एंड इसका डिफरेंशिएशन डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। तो क्या हो जाएगा आंसर? फाइव कॉस एक्स, क्योंकि साइन का क्या होता है? कॉस एक्स। तो हमारा डिफरेंस क्या हो गया? फाइव कॉस एक्स। यानी फाइव साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? फाइव कॉस एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझना इस क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू, मान लो फाइव को डालते हैं सिर्फ, y इज इक्वल टू साइन टू एक्स लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? साइन टू एक्स। इसका हमको निकालना है डिफरेंशिएशन। क्या निकालना है इसका? डिफरेंशिएशन। देखो जब भी क्वेश्चन है ऐसा y इज इक्वल टू साइन टू एक्स, क्या लिखा हुआ है? साइन टू एक्स, और हमें निकालना है dy अपॉन dx।
क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, तो नॉर्मली अगर हम सीधा फार्मूला पे गौर करें तो कितने लोग इसका आंसर क्या लिख देंगे कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, कॉस टू एक्स, जो कि क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। कैसे, समझे ध्यान से, यहाँ पर यहाँ का इसका डिफरेंशिएशन कैसे बनता है, समझ रहे, हमें क्या निकालना है डिफरेंशिएशन, डी वाई अपॉन डी एक्स का निकालना है। किसका निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ध्यान देना इसका तरीका क्या है, डी साइन टू एक्स लिखा हुआ है। अब थोड़ा समझना, यहाँ पर ये एक ध्यान देना, साइन 60 डिग्री लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, साइन 60 डिग्री। बताना है ध्यान से, साइन 2 इंटू 30 डिग्री और 2 साइन 30 डिग्री, फर्स्ट और सेकंड। बताना ये है, क्या फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेम है या दोनों डिफरेंट है। क्या साइन 60 को साइन 2 इंटू 30 लिख सकते हैं या फिर 2 साइन 30 लिख सकते हैं, बता दो। फर्स्ट और सेकंड दोनों में दोनों सही है या कोई एक सही है। हेलो, हाँ, फर्स्ट वाला क्या है, सही है, पर सेकेंड वाला क्या है, गलत है। क्या है ये, गलत है, क्योंकि अगर साइन 60 एंगल के फॉर्म में लिखा हुआ है तो इससे 2 हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, यानी एंगल का जो भी प्लेस है वो हमेशा एंगल के पोजीशन पर ही रहेगा, इसको हम यहाँ 2 कॉमन लेके बाहर नहीं कर सकते हैं। मतलब जो थीटा जो है वो हमेशा साइन के साथ हमेशा एंगल के फॉर्म में ही रहेगा, उसको हम बाहर नहीं कर सकते हैं। पास समझ में आ रहा है। तो सिमिलरली इसी तरह से यहाँ पे अगर हम गौर करें तो 2x जो है वो 2 क्या है, कांस्टेंट है ना। लेकिन क्या, अगर ये 2 कांस्टेंट है तो क्या 2 को हम बाहर ला सकते हैं, तो बाहर नहीं ला सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है 2x, तो ये जो 2 है जो कांस्टेंट है इसको बाहर नहीं कर सकते हैं। तो जब बाहर नहीं कर सकते तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। तो कहता क्या है कि अगर कभी भी क्वेश्चन दिया हो रहे साइन 2x के फॉर्म में, 4x, 5x कुछ भी लिखा हुआ रहे और डिफरेंशिएशन x के फॉर्म में करना है, तो इस केस में करते क्या है हम लोग, तो डी साइन 2x अपॉन डी 2x, यानी पूरा का पूरा एंगल हमको नीचे लाना पड़ता है। मतलब अगर 5x रहता तो नीचे 5x लिखते, 7x रहता तो 7x लिखते, तो साइन 2x था तो नीचे क्या लिख दिए हम लोग, डी 2x पूरा का पूरा उतारेंगे हम। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान देना, हमें डी 2x निकला पर हमें क्या निकालना है नीचे, हमें dx निकालना है ना, पर ये निकला क्या है, डी 2x निकला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अभी क्या करना पड़ेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन और करना पड़ेगा। तो करते क्या है कि अब 2x जो है ना उसको ऊपर ले लाते हैं डी 2x और इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करते हैं dx। बात समझ में आ रही है। यानी जब कभी भी साइन अगर मल्टीपल फॉर्म में दिया हुआ रहे तो कभी कांस्टेंट को बाहर नहीं करना है, बल्कि पूरे का कांस्टेंट के साथ उसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, क्योंकि एंगल इसका इंटीग्रल पार्ट है, इसको हम तोड़ कर बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए यहाँ 2x के फॉर्म में एंगल था तो पूरा का पूरा 2x के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट कर दिए। लेकिन हमारा डिफरेंशिएशन 2x के फॉर्म में नहीं निकलना था, हमारा डिफरेंशिएशन x के फॉर्म में निकलना था, इसलिए क्या किए हम 2x को एक बार फिर से क्या कर दिए हम लोग, डिफरेंशिएट कर दिए। अब 2x जो है वो अब एंगल के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अब साइन कॉस नहीं दिख रहा है, और जब एंगल के फॉर्म में नहीं है तब इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, इसलिए डी 2x अपॉन dx लिख दिए। अब अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो बताओ, साइन 2x अपॉन साइन 2x अपॉन डी 2x, तो बताओ साइन x था तो cos x आया, तो बताओ साइन 2x है तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा cos 2x आ जाएगा। अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे ध्यान देना, 2 करेंगे बाहर और dx अपॉन dx ये कट जाएगा, तो क्या बचा मेरे पास, 2 cos 2x, ये होगा हमारा आंसर। तो जब भी क्वेश्चन में मल्टीपल के फॉर्म में एंगल दिया हुआ रहे तो पूरा का पूरा टर्म हम नीचे लेकर आ जाएंगे और इस टर्म का फिर से क्या कर देंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन कर देंगे, और जो भी डिफरेंस करके आएगा वो मल्टीपल के फॉर्म में आकर ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
बात समझ में आ गया। तो इस तरह से इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, तो cos 2x साथ में 2 भी आ गया, यानी 2 cos 2x इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x। अब क्या है क्वेश्चन मेरे पास, अब इस पर 5 साइन 2x है, क्या है 5 साइन 2x। अब ध्यान देना, एंगल तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x, ये 5 तो मल्टीपल के फॉर्म में है, तो इसको हम कॉमन लेने में या इसको बाहर निकालने में हमें कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 5 कैसा बिहेव करेगा, एज ए कॉन्स्टेंट, तो 5 हो जाएगा हमारा बाहर, और डी साइन 2x, डी साइन 2x। अब अगर 2x के फॉर्म में है तो नीचे किसके फॉर्म में लिखाएगा, 2x के फॉर्म में ही लिखाएगा। अब क्या करेंगे, फिर से एक बार डी 2x का डिफरेंशिएशन कर देंगे हम लोग x के टर्म में, तो बताओ आंसर क्या होना चाहिए। तो अगर ये 5 है यहाँ से तो 5 आ जाएगा, साइन 2x अपॉन 2x है, तो साइन का क्या होता है cos 2x, तो ये क्या हो जाएगा cos 2x, और इधर से क्या निकल के आएगा, तो इधर से 2 आएगा, टोटल कितना हो जाएगा tan cos 2x आंसर। बात समझ में आ रही है, तो समझ लेना डिफरेंशिएशन हम लोग जो पढ़े वो सबसे उसका मेन मकसद क्या था डिफरेंशिएशन का, तो क्या था, क्या कि हम लोगों ने देखा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जिसमें क्या दिया होता है, फंक्शन जो होता है वो वेरिएबल दिया होता है, क्या दिया होता है वेरिएबल, पर हमें यूज करना कैसे एज ए कॉन्स्टेंट। हम एग्जाम्पल देकर बताए थे कि वर्क का फॉर्मूला है उसमें फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, अब फोर्स क्या होना चाहिए इस फॉर्मूले में, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या देता है कि फोर्स जो है वो वेरिएबल है। अब कैसे वेरिएबल है, तो कहता क्या है कि अभी एक सेकंड पहले फोर्स 5 मीटर था, दूसरे सॉरी 5 न्यूटन था, फिर 10 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 35 हो गया, यानी फोर्स का जो वैल्यू है वो चेंज कर रहा है, पोजीशन के साथ चेंज कर रहा है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है, कुछ भी चेंज कर रहा है, मतलब फोर्स क्या है चेंज कर रहा है, तो कांस्टेंट हो रहा नहीं। अब फॉर्मूला अगर हमें यूज करना है तो उस फॉर्मूले में फोर्स कांस्टेंट ही होना चाहिए, तो अब उस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे या तो डिफरेंशिएशन के लिए या फिर इंटीग्रेशन के लिए, यानी डिपेंडिंग ऑन फॉर्मूला कि फॉर्मूला मल्टीप्लाई के फॉर्म में है या डिवाइड के फॉर्म में है। अगर फॉर्मूला मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इंटीग्रेशन का यूज कर लेंगे, और अगर फॉर्मूला डिवाइड के फॉर्म में है तो हम क्या यूज कर लेंगे, डिफरेंशिएशन यूज कर लेंगे। जैसे अगर हमें वेलोसिटी निकालना है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से, तो यहाँ फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके फॉर्म में है, तो ये है डिवीजन के फॉर्म में है, यानी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वेलोसिटी निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा। अगर वर्क निकालना है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। यानी किसी भी वेरिएबल को अगर कांस्टेंट के फॉर्म में यूज करना हो तो हम यूज करते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, और डिफरेंशिएशन का पूरा रूल हमने पढ़ लिया। और जो मेन फॉर्मूला जो डिफरेंशिएशन में तुम्हें हमेशा और हमेशा याद रखना है वो फर्स्ट क्या है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। जब भी कोई कांस्टेंट के साथ वेरिएबल रहे तो कांस्टेंट करते हैं बाहर। एंड तीसरा जो मेन और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है एक्स का पावर एन, क्या है x एक्सपोनेंट n। तो तरीका क्या है, तो बस याद रखना है कि अगर एक्सपोनेंट लिखा हुआ तो एक्सपोनेंट को करते हैं बाहर और उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या है एक्सपोनेंट को करते हैं बाहर और उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये तीन चीज हमेशा कंटेक्स्ट याद रखना। और जो नेक्स्ट जो दो फार्मूला है वो है साइन और कॉस का, तो इसमें कुछ भी नहीं है, साइन का कॉस और कॉस का साइन, बस जहां भी सी आ जाए मतलब कॉस आ जाए या कॉट आ जाए या कॉसेक आ जाए, वैल्यू याद रखना कि उसमें माइनस आएगा, क्या वैल्यू आएगी माइनस में आएगी, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा हमारा माइनस साइन एक्स। और ये हमारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहा डिफरेंशिएशन का, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या है, तो अब बचा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का था क्या है कि जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, यानी जो भी फॉर्मूला हम डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं उसका जस्ट रिवर्स क्या कहला जाएगा इंटीग्रेशन। जैसे इसमें था जो उल्टा हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, मतलब जो भी डिफरेंशिएशन हम इंटीग्रेशन सीखेंगे वो जस्ट किसका डिफरेंशिएशन का रिवर्स रहेगा। बात समझ में आ रही है।